फ्रेंड्स, टुडे वी विल बिगिन विद द सेकेंड पोएम माय गुड राइट हैंड, रिटन बाय सी मकाय. द पोएम इज बेसिकली बेस्ड ऑन द इंडियन माइथोलॉजी कर्मा थ्योरी विच इज सेड बाय लॉर्ड कृष्णा टू द अर्जुना इन द बैटल ऑफ महाभारत. कि कर्मा की क्या थ्योरी है उसका एक, हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इट इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन द कर्मा थ्योरी, बट इसका एक जो पार्ट है, इम्पैक्ट है, वो जो है वो इस पोएम में हमको दिखाई देता है कि कर्मा कितना इम्पोर्टेंट है, सेल्फ डिपेंडेंट होना कितना इम्पोर्टेंट है. पोएट ने जो है वो अबाउट द पोएम में ये भी बात लिखी है कि इट इज़ हाउ यू ओवरकम विद द पॉवर्टी. It is about the poor people who try to overcome with the poverty. Let's see what poem conveys us. I fell into grief and began to complain. Fell का मतलब जो है वो गिरा, grief मतलब sadness, दुख, sad, and began to complain. Begin की जो है वो second form है आपकी, begin की जो second form है वो है began to complain. कि मैं दुखी हुआ और कंप्लेंस करने लगा. कंप्लेंस का मतलब जो है वो शिकायत, शिकायत जो है वो करने लगा. आई लुक्ड फॉर अ फ्रेंड बट आई सॉट हिम इन वेन. कि मैं जो है वो दुख में गिरने लगा एंड जो है वो शिकायत करने लगा. अगर आपने जॉन मिल्टन को जो है वो पढ़ा है, जॉन मिल्टन की जो है वो एक पोएम है ऑन माई ब्लाइंडनेस, उसमें भी कहीं ना कहीं जो है वो जॉन मिल्टन अपनी ब्लाइंडनेस को लेके जो है वो कंप्लेन करते रहते हैं, जिसका एक डिस्क्रिप्शन हमको जो है वो बाइबल के पार्ट में भी मिलता है. तो वहीं से शायद कहीं इंस्पायर होके और पोएट के रहेगा, आई फेल इन टू ग्रीफ एंड बिगेन टू कंप्लेन. कि मैं जो है वो दुख में गिर गया, चारों तरफ से जो है वो दुख आ गया और उसको लेके मैं कंप्लेन करने लगा. He was trying to looking for a friend कि जो उसको उस दुख से ओवरकम करे, उसकी जो समस्या है, उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उससे जो है वो ओवरकम करे. उसके लिए जो है वो he was trying to looking for a friend but I sought him in vain. Vain का मतलब होता है व्यर्थ, और sought का मतलब होता है trying to find. कि उसने जो है वो ढूंढने की कोशिश करी, trying to find. He was trying to find him in vain. उसने ऐसे किसी दोस्त को तलाशने की कोशिश करी कि जो उसको उसकी समस्याओं से, प्रॉब्लम से ओवरकम करे, बट वो जो है वो उसके लिए व्यर्थ साबित हुआ. He was not succeed in finding a friend who helped in the situation, या उसकी ऐसी परिस्थितियों में मदद करे जो उसको उन परेशानियों से बाहर निकाले. Companions were shy. Companions का मतलब, companions मतलब साथी. शाय का मतलब शर्मीले, कि उसके साथी जो है वो शर्मीले निकले. वॉट पोएट सजेस्टर, शर्मीले निकले मीन्स दे आर नॉट रेडी टू हेल्प. एंड एक्वेंटेंसेस वर कोल्ड. एक्वेंटेंसेस का मतलब जो है वो रिलेटिव्स, सगे संबंधी. वर कोल्ड, कोल्ड वॉट कोल्ड मीन्स सेंसलेस. They are not sentimental towards poet's problem. They are not feeling emotional towards, feeling sympathy towards poet. कि ना companions जो साथी थे वो उसको respond कर रहे थे, ना जो उसके acquaintances थे, उसके जो साथी थे वो जो है वो मदद करने को तैयार थे. They gave me good counsel but dreaded their gold. कि वो क्या है, दे गेव मी गुड काउंसिल. काउंसिल का मतलब जो है वो उसको जो है वो एडवाइस कर रहे थे. वो दे आर रेगुलरली एडवाइस हिम कि ये करो, उससे जो है वो ये मदद मिल जाएगी, या ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा. बट ड्रेडेड देयर गोल, ड्रेडेड का मतलब रिफ्यूज. लेकिन दे आर नॉट रेडी, रिफ्यूज नॉट रेडी. वो पैसों की मदद जो है वो नहीं करना चाहते थे, या वो जो है वो दे आर नॉट रेडी टू हेल्प हिम इकोनॉमिकली. तो व्हाट पोएट सजेस्ट अस कि
वंस ही वॉज इन अ प्रॉब्लम, ही वॉज इन अ सिचुएशन वेयर ही नीड अ फ्रेंड, कि एक बार वो एक ऐसी सिचुएशन, एक ऐसी परिस्थिति में चला जाता है जहाँ पे उसको एक ऐसे फ्रेंड की ज़रूरत होती है हु हेल्प्ड हिम, हु शुड हेल्प्ड हिम, कि उसको जो है वो मदद करनी चाहिए थी, लेकिन उसको ऐसा कोई फ्रेंड मिलता नहीं है। उसके जो कंपेनियंस होते हैं, उसके जो साथी होते हैं, उसके जो दोस्त होते हैं, वो भी जो है उसको मदद नहीं करते हैं, वे शर्मीले व्यवहार करते हैं, मतलब दे आर नॉट रिस्पोंडिंग, वो उसको किसी प्रकार का कोई रिस्पोंड नहीं करते हैं। उसके जो रिश्तेदार होते हैं वो भी उसको जो है वो उसकी समस्याओं के प्रति जो है वो सिंपथाइज नहीं होते हैं। सारे लोग उसको जो है वो सलाह देते हैं, सारे लोग उसको दे आर गिविंग डिफरेंट काइंड ऑफ एडवाइजेस, लेकिन कोई भी जो है उसको जो है वो इकोनॉमिकल हेल्प करने को तैयार नहीं होता है। वॉट सेकेंड स्टेंजा, लेट देम गो आई एक्सक्लेम्ड। वॉट पोएट एक्सप्रेसेस, पोएट फाइनली ही रियलाइज्ड दैट नोबडी इज रेडी टू हेल्प, कि कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं है। तो पोएट जो है वो कहता है ओके लेट देम गो, उनको जो है वो जाने दो। वॉट ही एक्सक्लेम्ड, वॉट ही एक्सप्रेसेस, आई हैव अ फ्रेंड एट माई साइड, कि मेरे साइड में मेरा एक दोस्त है। कौन है वो दोस्त? टू लिफ्ट मी एंड एड मी, एड मतलब हेल्प, कि मेरे साइड में एक ऐसा जो है वो दोस्त है हु लिफ्ट मी, जो मुझे ऊपर लेके जाएगा, जो मेरी मदद करेगा वॉट एवर बिटाइम, कि जो कुछ भी हो, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे परिस्थितियां जो है वो पॉजिटिव हो, चाहे परिस्थितियां नेगेटिव हो, चाहे परिस्थितियाँ मेरे पक्ष में हो, चाहे मेरे पक्ष पे ना हो, एक ऐसा मेरा दोस्त है जो मेरी मदद करेगा, जो मुझे जो है वो ऊपर लेके जाएगा। टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सेंड। अब पोएट क्या कह रहा है? पोएट वापस से जो है वो पहले स्टेंजा को रेफरेंस करते हुए कहता है टू ट्रस्ट टू द वर्ल्ड इज टू बिल्ड ऑन द सेंड, कि दुनिया को ट्रस्ट करना, मतलब उसके जो एक्वेंटेंसेज हैं, उसके जो कंपेनियंस हैं, उसके जो फ्रेंड्स हैं, उसको लेके कह रहा है कि इस दुनिया में उसके जो भी चित परिचित लोग हैं उनको ट्रस्ट करना, मतलब जो है सेंड, सेंड का मतलब जो है वो रेत, रेत पे जो है वो महल बनाने के जैसा है। मतलब आप रेत पे महल बनाते हो, नदी के किनारे, समुद्र के किनारे, इट इज़ अ टेम्प्ररी, जो बच्चे जो है वो खेलते हैं, तो जैसे ही जो है वो नदी का बहाव आता है, समुद्र की लहर जब आती है, तो उसको जो है वो लेके चला जाता है। तो पोएट जो है वो यहाँ पे उनको रेफरेंस करते हुए कह रहा है कि इस दुनिया में लोगों का भरोसा करना, मतलब कि रेत पे जो है वो महल बनाने जैसा है, मतलब कि वो परमानेंट कहीं नहीं रहना है, इट इज़ अ टेम्प्ररी थिंग, कि जब लोगों को आपकी आपको जब लोगों की मदद चाहिए तो शायद आप उन पे भरोसा ना कर पाओ, तो उस तरीके की बात है। आई विल ट्रस्ट बट इन हेवन एंड माई गुड राइट हैंड, कि मैं उन पे भरोसा करूँगा, कब करूँगा? जब मैं स्वर्ग में चला जाऊँगा। मतलब जीते जी तो मैं उन पे भरोसा जो है वो कर ही नहीं सकता हूँ, जीते जी तो वो मेरे भरोसे के लायक ही नहीं है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता कि वो मेरी किसी सिचुएशन में मदद करेंगे, क्यों? क्योंकि मैं पहले भी जो है वो इन परिस्थितियों में गया लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। एंड माई गुड राइट हैंड, अब पोएट जो है वो यहाँ पे इस स्टेंजा में यहाँ पे लाके बात को जो है वो छोड़ देता है, माई गुड राइट हैंड, कि पोएट जो है वो सेल्फ डिपेंडेंस होने की बात कर रहा है। पोएट जो है वो बोल रहा है कि मुझे जो है वो अपने कर्मों पे भरोसा करना चाहिए, माई गुड राइट हैंड, कि मैं जो है वो अपने आप पे भरोसा करूँ तो शायद जो है मैं इन परिस्थितियों से निकल जाऊँ। और जो पोएट यहाँ पे फ्रेंड की बात कर रहा है, लिफ्ट मी एंड एड मी, जो फ्रेंड की बात कर रहा है, आई हैव अ फ्रेंड, वो फ्रेंड जो है उसका वो यही है, उसका खुद का राइट हैंड। जब पोएम का फर्स्ट पार्ट एंड हो रहा होता है तब उसको रियलाइज होता है, क्या रियलाइज होता है, कि माय गुड राइट हैंड इज माय बेस्ट फ्रेंड, कि मेरा जो राइट हैंड है या मेरा जो हाथ है, व्हाट मींस राइट हैंड मींस माय वर्क, माय कर्मास, कि मेरे जो कर्मास हैं, माय कर्मास विल डिसाइड माय डेस्टिनी, कि मेरे कर्मा, मेरा काम, मेरी डेस्टिनी, मेरी किस्मत, मेरे भाग्य का निर्णय करेंगे, कि अगर मैं काम करता रहूँगा तो मेरा भाग्य डेफिनेटली एक दिन बदलेगा। तो उस बात को कंटिन्यू करते हुए पोएट यहाँ पे कह रहा है माय करेज रिवाइव्ड, करेज का मतलब साहस,
रिवाइव्ड का मतलब रिस्टोर, वापस आना, पुनः आना, पुनर्स्थापित होना, कि मेरा साहस पुनर्स्थापित हो जाता है। क्यों ऐसा कह रहा है? बिकॉज पोएट वॉज डिस्पेयर व्हेन नोबडी वॉज रेडी टू हेल्प हिम। जब कोई उसकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता है तो पोएट निराश हो जाता है, डिस्पेयर में चला जाता है, हताश हो जाता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तब कह रहा है कि फिर से मेरा करेज लौट आया है इन माई फॉर्च्यून्स डिस्पाइट, कि वही क्या करेगा, मेरी किस्मत बनाएगा, वही मेरा भाग्य बनाएगा। पोएट कह रहा है कि अगर मैं साहस के साथ आगे बढ़ूंगा तो मेरी किस्मत भी क्या होगी, बदल जाएगी। एंड माई हैंड वॉज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वॉज लाइट, कि मेरा हाथ क्या हो गया है, मेरा हाथ मजबूत हो गया है वैसे ही जैसे मेरी स्पिरिट, स्पिरिट का मतलब आत्मा, सोल, कि जैसे मेरी आत्मा हल्की हो गई है वैसे ही मेरा हाथ उतना ही क्या है, स्ट्रोंग हो गया। दोनों के बीच में कंपैरिजन किया है यहाँ पे, दोनों को कंपेयर करके बता रहे हैं कि जितनी हल्की उसकी आत्मा है उतना भारी उसका हाथ है। अगर हम लोग इंडियन माइथोलॉजी में बात करें तो भगवद गीता में बोला है कि आत्मा की जो साइज है, आत्मा का आकार है, वो कितना, एक बाल के 10वें गुना से भी कम है। मतलब उसका वजन अगर हम लोग देखें तो वजन बहुत कम है। तो जितना उसका वजन कम है उतना ही ज्यादा उसके हाथ स्ट्रोंग हो गए। मतलब दोनों को वो कंपेयर कर रहा है। और लाइट का मतलब यहाँ पे चीयरफुल भी हम लोग कह सकते हैं, कि चीयरफुल मूड, आनंददायक मूड में भी वो चला गया है। मतलब कि जैसे उसकी आत्मा आनंददायक होती जा रही है वैसे ही उसका हाथ क्या है, स्ट्रोंग होता जा रहा है। दूसरा मीनिंग ये हो जाएगा कि उसकी आत्मा बेहतरीन होती जा रही है, पॉजिटिव होती जा रही है, अपने आप को वो ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी मान रहा है। तो जैसे जैसे अपने आप को वो आशावादी मान रहा है, उसका साहस लौट आया है, तो उसका हाथ, उसके कर्मास क्या हो रहे हैं, स्ट्रोंग होते जा रहे हैं, उसका कॉन्फिडेंस, उसका आत्मविश्वास वापस आता जा रहा है। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन। रेज्ड का मतलब ऊपर लेके जाना, ऊपर। सोरो का मतलब दुख। क्या कर रहा है, मुझे दुख से ऊपर लेके जा रहा है, और सेव्ड मतलब बचाना, किससे बचा रहा है, दर्द से बचा रहा है। मतलब मुझे दुख से कम अप कर रहा है, दुख से उबार रहा है, मुझे दुख से ऊपर लेके जा रहा है। और मेरे अंदर जो दर्द है, इमोशनली जो मैं टूट चुका था, उसको वो अब दूर करता जा रहा है, मुझे सारे दुख दर्दों से दूर करता जा रहा है। कौन दूर करता जा रहा है, उसका राइट हैंड। इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन। फेड का मतलब टू फीड, खिलाना, कि यही मुझे क्या कर रहा है, यही मुझे खिला रहा है। और क्लेड का मतलब क्या है, पहनाना, टू वियर, कि वो मेरे क्लोथ्स का अरेंजमेंट्स भी कर रहा है, मेरे खाने का अरेंजमेंट भी कर रहा है, अगेन एंड अगेन, बार बार। कि जो उसकी बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, हर आदमी की एक बेसिक नीड है, रोटी, कपड़ा और मकान, तो वो जो बेसिक नीड है, एक मूलभूत जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने का काम उसका राइट हैंड कर रहा है। मतलब कि उसकी जो माली हालत थी, उसकी जो इकोनॉमिकल कंडीशन, सिचुएशन थी, वो खराब हो गई थी, वो अब सुधरती जा रही है। लास्ट स्टेज में पोएट फिर से क्या कह रहा है, द फ्रेंड्स हु हैड लेफ्ट मी कैम बैक एवरीवन। वो दोस्त जिनके पास वो मदद मांगने के लिए गया था और उन्होंने क्या किया था, सिवाय सलाह देने के, सिवाय राय देने के, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं करी थी, मदद करने से मना कर दिया था, वो अब क्या हो रहा है, वो वापस आ रहे हैं उसके पास। क्यों वापस आ रहे हैं, एंड डार्केस्ट एडवाइजर्स लुक्ड ब्राइट एज द सन। कि जो डार्केस्ट एडवाइजर्स थे, डार्केस्ट का मतलब ग्लूमीनेस, ग्लूमीनेस से भरे हुए, आपके नेगेटिविटी से भरे हुए, जो हमेशा क्या नेगेटिव बात करते थे, वो अब कैसे होते जा रहे हैं, ब्राइट होते जा रहे हैं। वो अब मुझे ये बताने की कोशिश करे, हाँ आप काम करते जाइए, आपका भविष्य और उज्जवल हो जाएगा। वो अब कैसे होते जा रहे हैं, वो पैसिमिस्टिक, निराशावाद से, नकारात्मक सोच से, ऑप्टिमिस्टिक, सकारात्मक सोच की तरफ आ रहे हैं। आई नीड देम नो मोर एज दे ऑल अंडरस्टैंड। अब पोएट क्या कह रहा है कि मुझे उनकी ज़रूरत नहीं, आई नीड देम नो मोर, अब मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। और इस बात का एहसास उनको भी हो गया है। क्यों, क्योंकि अंतर्दृष्टि में उन्हें भी इस बात का एहसास है, उन्हें भी इस बात का पता है कि जब ये हमारा परिचित व्यक्ति
हमारा रिश्तेदार हमारे पास मदद के लिए आया था, तो हमने क्या किया था, हमने इसकी मदद नहीं की थी, और इसने खुद ने अपने दम पे आज उस परिस्थिति से ऊपर आया है, और ऊपर आने के बाद क्या किया है, अपने आप को अच्छी स्थिति में ले आया है। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि जब हम इसके साथ बुरे समय में खड़े नहीं हुए, तो ये हमें क्या करेगा, अच्छे समय में अपने साथ नहीं लेगा। उनको इस बात का एहसास हो गया। आई थिंक दी, आई ट्रस्ट दी माई गुड राइट हैंड। दी दी मीन्स यू, ओल्ड इंग्लिश में यू को एज ए दी हम लोग यूज़ करते थे, कि आई थिंक यू, आई ट्रस्ट यू। यू किसे यहाँ पे रेफर किया है, यू जो रेफर किया है वो रेफर किया है माई गुड राइट हैंड को, कि मैं तुम पे भरोसा करता हूँ मेरे गुड राइट हैंड, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ और मैं तुम पे डिपेंड हूँ। मतलब पोएट क्या कह रहा है, पोएट यहाँ पे मैसेज देना चाह रहा है कि आप दूसरे लोगों पे भरोसा करने से बेटर है खुद पे भरोसा करो। हमारे यहाँ पे एक कहावत भी है कि जो खुद पे भरोसा करते हैं या जो खुद पे डिपेंड रहते हैं उनकी मदद भगवान भी करते हैं। तो वही यहाँ पे कह रहे हैं कि आप अपने कर्मों पे भरोसा रखिए, आप अपने अच्छे कर्मों पे भरोसा रखिए, आप निरंतर आगे काम करते जाइए। तो जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपको सफलता मिलती जाएगी, आपको उसके अच्छे परिणाम मिलते जाएंगे। तो आप अपने जीवन में भी इसको इसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं। इससे रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।